जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जो कल नई डेट शीट है वो जारी कर दी है, यानी कि कल थोड़ा सा लेट जारी की थी नई डेट शीट। तो अब उसमें भी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बीबीए बीसीए वाले बच्चे की सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर को लेकर। तो आज आपके जितने भी डाउट हैं, चाहे वो आपके एलएलबी वाले हैं, एलएलएम वाले हैं, जितने भी बच्चे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जितने भी आपके क्वेश्चन क्वेरी हैं, उन सबके आंसर आपको मिलने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको एक एक चीज आज क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी और आपको लास्ट तक देखना होगा, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। देखते हैं सबसे पहला नोटिस, जो कि कल जारी किया गया है 26/6/2021 में कल जारी किया गया है। ये नोटिस किसके लिए है? ये एमए वाले स्टूडेंट के लिए है। किसके लिए है भाई? आपका जो एमए इकोनॉमिक्स वाले बच्चे हैं। उसमें हुआ क्या था, एक कोड का जो है गलती से कोड चेंज हो गया था, यानी कि जो G308 था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जो उसका सही कोड है वो है आपका G306। तो ये इसके संबंध में है, यानी कि जो इसका सही कोड है वो क्या है आपका G306। तो ये आपका एमए वाले स्टूडेंट के लिए है, एमए इकोनॉमिक्स। अब आगे आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे नोटिस जारी हुए हैं उनके बारे में, एग्जाम को लेकर किस तरीके से एग्जाम होंगे, किस किस के एग्जाम में परिवर्तन हुआ है और किस किस के एग्जाम में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं इस नोटिस को आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये नोटिस है हमारा किसका भैया, 25/6/2021 का, यानी कि जो हमारी मीटिंग हुई थी उस डेट का ये नोटिस है। और इसमें बहुत सारी चीजें क्लियर हैं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीजें क्लियर हैं। वीडियो को आप अंत तक देख लीजिएगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका इस नोटिस में कहा गया है कि वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत संचालित बीए बीकॉम संस्थागत एवं व्यक्तिगत, बीएससी संस्थागत और आपका एमए एमकॉम व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों के केवल द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की मुख्य परीक्षाएं 2021 व बैक पेपर परीक्षाएं 2020 का परीक्षा कार्यक्रम, नया परीक्षा कार्यक्रम जो ये था आपका 15/6/2021 वाला जो परीक्षा कार्यक्रम था उसको निरस्त किया गया है, यानी कि उसको निरस्त कर दिया गया है। अब यहां पर एक चीज ध्यान से देखिएगा, जो अब मैं आपको बताने वाला हूं, सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत संचालित एमए एमएससी एमकॉम एमएससी होम साइंस एमएससी एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर, यानी कि ये जितने भी आपके कोर्स यहाँ पर देख रहे हैं, पाठ्यक्रमों की सत्र 2020-21 की केवल अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं, जून 2021 का परीक्षा कार्यक्रम पंत्रांग इतने में दिनांक इतने से निरस्त कर दिया गया है, यानी कि इन कोर्सेज का भी जो आपका परीक्षा कार्यक्रम था वो भी निरस्त कर दिया गया था। अब इससे आगे बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं पे मिलेंगे। ये मैंने आपको क्यों पढ़वाया है, बच्चे कह रहे हैं कि सर बीए बीएससी बीकॉम का ही परीक्षा कार्यक्रम निरस्त हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, बीए बीएससी बीकॉम जो आपका ये था, बीएससी बीकॉम और बीए, तो ये तो आपका परीक्षा कार्यक्रम कैंसिल हुआ ही है। इसके साथ साथ इनके जो ये परीक्षा कार्यक्रम है ये भी आपके क्या हुए हैं, निरस्त हुए हैं। ये भी आपके क्या हुए हैं भाई, निरस्त किए गए हैं। अब आगे द्वितीय वर्ष बीएड पाठ्यक्रम की मुख्य बैक परीक्षा भूतपूर्व परीक्षा का जो कार्यक्रम था वो भी आपका निरस्त किया गया है, यानी कि जो बीएड वाला था परीक्षा कार्यक्रम वो भी निरस्त किया गया है। अब ये आपका यहां पर देखिए, विश्वविद्यालय सत्र की निरस्त परीक्षाएं इतने से इतने के मध्य कराई जाएंगी, नया परीक्षा कार्यक्रम यथाशीघ्र वेबसाइट पर आ जाएगा, जो कि आ चुका है। इसके बाद में आगे बात करें कि जो संचालित पाठ्यक्रम बीए एलएलबी एलएलएम एलएलएम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश यथासंभव निर्देशित कर दिए जाएंगे। इसके आगे नेक्स्ट है जो यहाँ पर ये आपका नोटिस हो गया, यानी कि इसमें सब सारी चीज़ें बताई हैं कि आपके किस किस कोर्स के जो डेट शीट थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। बच्चे कह रहे थे कि एलएलबी की नहीं हुई है, तो एलएलबी की भी निरस्त हो चुकी है। बीए एलएलबी एलएलबी और एलएलएम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश यथा समय निर्गत किए जाएंगे, यानी कि वो भी बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। अब आते हैं जो हमारा कल नोटिस जारी किया गया है इस पर, यानी कि जो कल नोटिस जारी किया गया है जो इम्पोर्टेंट नोटिस है इस पर आते हैं। यहां पर देखिएगा,
अब आते हैं इस नोटिस पर जो कि कल आपका जारी किया गया है, यानी कि 26/6/2021 में इस नोटिस को जारी किया गया है। इसमें क्या है, इसमें आपका ये बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि जो सत्र आपका 2021 की परीक्षाएं होनी है या जो बैक पेपर परीक्षाएं होनी है 2020 की, तो उसके लिए आपका क्या है, 8/7 से आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे और 8/8 तक आपके एग्जाम कराए जाने हैं। तो इस संबंध में ये कहा गया है कि नई डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, आपको नया जो आपका डेट शीट है वो आपको मिल जाएगी। तो इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। अब आते हैं जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, जितने भी डाउट क्वेश्चन क्वेरी हैं उसमें आपके सॉल्व होने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ने जो जितने भी दिशा निर्देश हैं वो अपने जारी कर दिए हैं, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि ये आपके कुल मिलाकर 19 पॉइंट है, 19 पॉइंट में जो भी आपके क्वेश्चन थे उन सबके आंसर यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, यूनिवर्सिटी ने जारी किया है जो ये नोटिस है। अब इसमें क्या क्या है, स्टार्टिंग से एक एक पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला है कि सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्ष के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिनांक 8 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित कराई जाएंगी। ये तो सभी को क्लियर है, कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं है। इसके बाद में आते हैं स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र जो सत्र 2019-20 की परीक्षाओं में दिनांक बिना परीक्षा के स्थानित हुए थे, तो यानी कि जो पिछले साल बिना परीक्षा के प्रमोट किए गए थे, तो उनके एग्जाम कराए जाएंगे। दूसरा पॉइंट है उनके लिए। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, सभी पाठ्यक्रम, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सभी पाठ्यक्रमों के अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी सम सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं जून 2021 न कराकर उन्हें उसके पहले के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं दिसंबर 2020 के आधार पर अंक प्रदान कर अगले सेमेस्टर में प्रोन्नति किया जाएगा। यानी कि जितने भी बच्चों के क्वेश्चन थे जो ये कह रहे थे सर आप मिसगाइड कर रहे हैं, बच्चों को प्रमोट नहीं किया गया है, तो जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो 100% बताता हूँ। यानी कि जो हमारे BBA है, BCA है, जो भी कोर्स है, चाहे वो आपका BA LLB है, BCOM है, जितने भी सेमेस्टर मोड के कोर्सेज हैं, यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं पॉइंट नंबर आपका 3 में कि उन सभी को प्रमोट कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम जो होंगे वो होंगे फाइनल सेमेस्टर के। तो पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि आपके सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम होंगे वो आपके होंगे 6 सेमेस्टर के, यदि आपका 3 ईयर का कोर्स है, यदि आपका 4 ईयर का कोर्स है तो वहां पर आपके सिर्फ और सिर्फ 8 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, यदि आपका 5 ईयर का कोर्स है जैसे आपका BA LLB तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो एग्जाम होंगे वो 10th सेमेस्टर के होंगे। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, मैं और क्या चीजें बताने जा रहा हूं, जो पॉइंट नंबर 4 है उसमें क्या लिखा हुआ है, ये चीज आपको क्लियर हो गई है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपके 4th सेमेस्टर के एग्जाम कराए जाएंगे। अब इससे आगे 4th पॉइंट की हम यदि बात करें, ऐसे विषम सेमेस्टर यानी कि जो दिसंबर में हुए थे जिनकी संपूर्ण परीक्षाएं आयोजित नहीं हुई थी, अर्थात कुछ विषय की परीक्षाएं अपूर्ण रह गई थी, कि परीक्षाएं 8 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में संपन्न कराई जाएंगी। यानी कि यदि आपका जो विषम सेमेस्टर है, यानी कि जो आपका ऑड सेमेस्टर है, उसकी सारी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी, तो उनको पूरा कराया जाएगा। क्लियर है आपको, उनको पूरा कराया जाएगा, या आपका कोई भी पेपर नहीं हुआ था विषम सेमेस्टर का तो उनको भी पूरा कराया जाएगा। यानी कि जैसे हम बात करें LLB 3 ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम नहीं हुए थे तो उनको कराया जाएगा, पूरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे और सेकंड सेमेस्टर को आपको प्रमोट किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको जो यूनिवर्सिटी ने प्रेस रिलीज दी है उसमें मैंने आपको ये दिखाया है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है। अब इससे आगे आते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है 5th पॉइंट है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपको बताया गया है कि जो आपकी डेट शीट आपको जारी की गई है उसमें से आपको किसी भी एक विकल्प आपको प्रदान किया जाएगा, जिसमें से आपको एक कोड का पेपर देना है। किसका देना भाई, आपको एक कोड का पेपर देना है। अब वो आगे मैं आपको डेट शीट में एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से, तो उसको वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा कि आपको पेपर किस तरीके से उसमें से चूज करना है। तो चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6 है कि आपके जो क्या है बीपीटी वाले बच्चे हैं, बीपीटी चतुर्थ पाठ्यक्रम द्वितीय वर्ष 2019-20 तथा 20-21 के जो सीधे प्रवेश हुए थे, लेटरल एंट्री जिनको मिली थी, छात्रों को डिप्लोमा के आधार पर अंक देकर प्रोन्नति किया जाएगा। यानी कि उनके जो मार्क्स होंगे डिप्लोमा के आधार पर उनको प्रोन्नति किया जाएगा, यानी कि उनको प्रमोट किया जाएगा। इससे आगे नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका
परीक्षाएं कक्ष में परीक्षार्थियों को एक विषय के प्रश्न पत्र समूह, यानी कि जो आपके जब एग्जाम होंगे एग्जाम हॉल में आपको बता दिया जाएगा, या आप वहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें इस कोड का पेपर देना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है। इससे आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, सभी परीक्षाओं के सभी प्रश्न पत्रों की अधिकतम अवधि 1.5 घंटे की होगी, यानी कि जो समय जो होगा वो आपका कितने का होगा भैया, 1.5 घंटे का होगा। अब यहां पर नेक्स्ट है, प्रश्न पत्रों की शैली यथा बनी रहेगी, अर्थात वार्षिक परीक्षाओं के अंतिम वर्ष के प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय होंगे, वे अन्य सभी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र दीर्घ उत्तरीय यानी कि सब्जेक्टिव प्रकार के ही होंगे। ये आपको क्लियर है, जैसा मैंने आपको बता दिया है, यानी कि जो अंतिम सेमेस्टर अंतिम ईयर की जो परीक्षाएं होती हैं वो ऑब्जेक्टिव होती हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव कराई जाएंगी, और जो आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं वो आपके सब्जेक्टिव ही होंगे, और जो समय होगा वो आपका वो क्या होगा भैया, 1.5 घंटे का होगा। जो आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करने होंगे वो 75 क्वेश्चन करने होंगे, और उसमें जो आपके जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको किस किस पैराग्राफ से कितने कितने क्वेश्चंस करने हैं। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी अभी एक्सप्लेन कर देता हूं इसके बाद में। चलिए इससे आगे बात करते हैं, 9 पॉइंट पे आते हैं, सम सेमेस्टर जून एवं 2021 के वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाएंगी, यानी कि जो आपके अब सम सेमेस्टर के एग्जाम हो रहे हैं तो उसमें आपके किसी भी टाइप की प्रैक्टिकल की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी, और जो आपका वाइवा है, जो आपका वाइवा होगा यहाँ पर, वो भी आपका क्या कराया जाएगा, ऑनलाइन कराया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन कोई भी वाइवा आपका नहीं होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों में कोई भी अधिक जो आपका किसी भी टाइप का वाइवा आपका नहीं होगा। इससे आगे बात करते हैं, 12 पॉइंट, दिनांक 10/4/2023 को आयोजित हो चुकी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये भी कि दिनांक 10/4/2023 को आयोजित हो चुकी 001, यानी कि इन कोड की जो विषम परीक्षाएं पुनः आयोजित नहीं होंगी, यानी कि जो परीक्षाएं आपकी हो चुकी थी उनको दोबारा से नहीं कराया जाएगा। अब इधर आते हैं, नेक्स्ट आते हैं कि जो हमारी परीक्षाएं हुई थी किसको, 12/4/2021 को इन कोड की परीक्षाएं हुई थी, तो ये भी आपकी दोबारा से नहीं कराई जाएंगी। इससे आगे नेक्स्ट है, हालांकि यदि छात्र चाहते हैं तो बचे हुए प्रश्न पत्र, ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा डेट शीट में मैं आपको पूरी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया कि जो पेपर पहले हो चुके हैं, यदि आपका वो पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो उसके लिए आपका ऑप्शन है या नहीं, यानी कि उस कोड के आप दूसरा पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये चीज इसमें कही गई है। तो आप उसका दूसरा पेपर दे सकते हैं, अब किस तरीके से दे सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय द्वारा जिन परीक्षाओं को आयोजित कराया जाएगा उन्हीं परीक्षाओं के छात्रों को बैक व भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षाएं में बैठने का अवसर मिलेगा। तो यानी कि जो बच्चे एक्स और बैक वाले बच्चे हैं उनके लिए जो पॉइंट नंबर है वो है 14, सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि एक्स और बैक वाले बच्चे जो हैं उनकी जो परीक्षाएं हैं वो इन्हीं के साथ में आयोजित कराई जा रही हैं, और इसमें वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पेपर दे सकते हैं जिसमें वो आपकी डेट शीट में दिए गए हैं, यानी कि जिसमें आपका जैसे आपका फाइनल ईयर के आपने बैक भरी है तो सिर्फ फाइनल ईयर के आप उन्हीं की बैक दे सकते हैं जिनके आपके एग्जाम अब हो रहे हैं। क्लियर है आपको? तो यानी कि एक्स और बैक वाले भी बच्चे अब एग्जाम इन्हीं के साथ में दे सकते हैं। यदि आपने इनसे किसी अलग जो आपने सेमेस्टर की या अलग ईयर की बैक भरी है तो उसके लिए आपको वेट करना होगा। चलिए नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको लेकर बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हैं और अलग अलग चीजें कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है भाई, 15, क्या कहा है देखिएगा ध्यान से, LLB यानी कि LLB के प्रथम व षष्ठ यानी कि छठे, LLM के प्रथम व चतुर्थ तथा BA LLB के दशम यानी कि दसवें सेमेस्टर की परीक्षाओं की तिथि व रूपरेखा यथा समय घोषित की जाएगी, यानी कि अभी इनकी डेट शीट जारी नहीं की है, जो इनको भी कैंसिल कर दिया गया है, इनकी डेट शीट को भी वो दोबारा से आयोजित की जाएगी, यानी कि दोबारा से आपकी डेट शीट जारी की जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं परीक्षाओं की तिथि रूपरेखा यथा समय घोषित की जाएगी, यानी कि अभी घोषित नहीं की गई है, वो भी कैंसिल कर दी गई है, यानी कि जो हमारी 3 ईयर LLB है उसमें फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं होनी है उसकी भी जो डेट शीट है उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, जो हमारी 6th सेमेस्टर की है उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, और LLM में आपका फर्स्ट सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर उस डेट शीट को भी कैंसिल कर दिया गया है। अब
यहाँ पर आता है, ये है क्वालिफाइंग, यहाँ पर थोड़ा सा कट रहा है जो नहीं आ पा रहा था, क्वालिफाइंग एंड फाउंडेशन कोर्स के बारे में। ये आपके जो क्वालिफाइंग, इनके पेपर आपके हो चुके थे, तो अब इसमें बात आती है कि इनके पेपर आपके हो चुके थे, इसमें आता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको कैसे मिलेंगे, तो प्रैक्टिकल के मार्क्स इसी के आधार पर मिलने वाले हैं जो आपके पेपर हुए हैं, क्वालिफाइंग पेपर हुए हैं। अब इसके बाद में प्रथम वर्ष में क्वालिफाइंग यानी कि वही चीज़ लिखी हुई है, इसके बाद में द्वितीय वर्ष में फाउंडेशन कोर्स, ये जो आपका ये है इसमें परीक्षाएं होंगी, यानी कि इनकी जो परीक्षाएं हैं वो आपकी आयोजित कराई जाएंगी। इन प्रश्न पत्रों की परीक्षाओं में द्वितीय एवं बैक एवं भूतपूर्व छात्र इत्यादि समस्त विद्यार्थी सम्मिलित हो सकेंगे, यानी कि ये जो आपका पेपर कोड है इसमें आपका आपकी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। तो साथियों, आई होप जितने भी पॉइंट हैं अब आपको क्लियर हो गए होंगे, जितने भी आपके डाउट क्वेश्चन क्वेरी हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सबसे ज़्यादा जो आपके थर्ड, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, जैसे आपका बीबीए है, बीसीए है, सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं कि सर हम प्रमोट हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो अब आप बिल्कुल देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसमें इसको आदेश को जारी कर दिया गया है, क्लियर है, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुका है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है डेट सीट में आपको किस तरीके से पेपर का चुनाव करना है। साथियों, तो अब यहां पर देखिएगा, ये आपकी डेट सीट है, मैं फॉर एग्जांपल मैंने लिया है, जो डेट सीट जैसे ही जारी हुई थी वैसे ही मैंने अपने फेसबुक पेज पर उसको अपडेट कर दिया था। आप लोगों ने फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया हुआ है, आप डाल रहे थे कि सर डेट सीट आ चुकी है, वो मेरे पास सबसे पहले अपडेट आ जाती है, मैंने जैसे ही डेट सीट जारी हुई वैसे ही मैंने अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर दी। रात को 9 बजे 10 बजे तो मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, तो मैंने जैसे ही जो भी चीजें अपडेट आती है तो मैं तुरंत फेसबुक पेज पर डाल देता हूं। तो फेसबुक पेज को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, उस पर मैं शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बहुत सारी अपडेट में वहां पर डालता रहता हूं। अब आते हैं हम डेट शीट पर, देखिएगा जरा डेट शीट में, जैसे हमारा 8 तारीख को पेपर है, 8 जुलाई को बीए या बीएससी, उसमें किसका भैया, मैथ का। अब उसमें मैथ में आपका 8 जुलाई को दो कोड के पेपर हैं, कौन कौन से पेपर कोड, आपका ए एंड बी 227, ए एंड बी 228। तो अब आपको करना क्या है, इन दोनों में से जब आप क्लासरूम में जाएंगे, पेपर तो कोड तो आपके दोनों है, ये आपको दोनों के पेपर देने थे, लेकिन अब आपको इनमें से किसी भी एक कोड का पेपर लेना है जो आपको अच्छा लगता है कि सर हमें ये पेपर दे दीजिए, 227 वाला पेपर दे दीजिए। तो आपको ये पेपर जो करना है वो आपको इनमें से किसी भी एक का करना है। इसी टाइप से आपका जो भी जिस भी कोर्स में आपके दो पेपर हैं उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है और सेम डेट पे होंगे। किस पे होंगे भैया, सेम डेट पे होंगे। अब जैसे कि हम बात करें, तीन पेपर हो यदि किसी कोड के, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, यानी कि आपका बीएससी में स्टैटिक्स, अब आपके यहाँ पर तीन पेपर हैं इनके, तो तीन में से आपको जो भी पेपर कोड अच्छा लगता है, जिसमें भी आप स्ट्रांग हैं, उसका आप पेपर कोड ले सकते हैं कि सर हमें इस कोड का पेपर चाहिए, जो पेपर कोड है आपका A338, A339, A540। तो आपको इसमें से जो भी पेपर अच्छा लगे वो पेपर आप ले सकते हैं, क्लियर है आपको। यानी कि जैसे पॉलिटिकल साइंस है, इसके भी तीन पेपर होते हैं, तो जो भी पेपर आपको अच्छा लगे वो पेपर आप ले सकते हैं। अब बच्चों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन क्वेरी थे वो बिल्कुल पूरे हो चुके होंगे। अभी जैसे कि जो पेपर आपने पहले दे दिए थे, तो उसमें से जैसे आपने किसी एक कोड का पेपर दे दिया था, आपको लगता है कि उसके मार्क्स आपके अच्छे नहीं आएंगे, तो उसमें भी आपको ऑप्शन दिया गया है, आप उस कोड का दूसरा पेपर दे सकते हैं। आपके जो मार्क्स आएंगे, जो अब आप पेपर देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे आप उसमें फेल हो या आपके उसमें मार्क्स ज्यादा आए। तो आई थिंक अब आपका कोई डाउट क्वेश्चन नहीं रह गया है, और यदि अभी भी आपको कोई डाउट या क्वेश्चन रह गया है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उसका आंसर या उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और बाकी आज संडे है तो हम आपको मिलेंगे लाइव शाम को 8 बजे, तो मिलते हैं आपसे 8 बजे लाइव। तो चलिए साथियों, जो भी आपके डाउट क्वेश्चन क्वेरी है वो आप लाइव में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।